हे गाइस, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल गार्डनिंग पैराडाइज पे, और आशा करता हूं आप सभी अच्छे से होंगे। अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, अप्रैल का सेकंड वीक चल रहा है अप्रैल का। तो दिन का टेम्परेचर लेट 30s तक पहुंच गया है और रात का टेम्परेचर भी लेट 20s तक है। और इस वीडियो में मैं आपको अपडेट देना चाहूँगा, जो मैंने आपने अगर मेरा पहला वीडियो देखा हो कंपोस्ट के बारे में, जो जिसमें मैंने कच्ची मिट्टी जमीन जो थी वहाँ पे गड्ढा खोद के कंपोस्टिंग करी थी, तो उसी का रिजल्ट हम देखते हैं। और अगर आप लोगों ने मेरा वो वीडियो नहीं देखा हो तो अभी इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। ऊपर अभी आपके पास सजेस्टेड वीडियो का लिंक भी आ रहा होगा, और बाकी एट द एंड ऑफ द वीडियो भी मैं उसका एंड स्क्रीन डाल दूंगा। पर उससे पहले, अगर आप मेरे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस सब्सक्राइब बटन को दबाइए, और उसके बाद इस ये जो आपको घंटे का निशान दिख रहा है, बेल आइकन दिख रहा है, इसको प्रेस करिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो। और आई नो कि मतलब मैंने दिसंबर के एंड में किया था, तो अभी तक तो मेरे को इसका रिजल्ट देख लेना चाहिए था, बट मेरे को टाइम नहीं मिल पाया। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो चीज़ें जो है बहुत वाइडली वाइडली ग्रो कर रही हैं, और मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया कि मैं ये कर इसका देख पाता। तो जैसा कि आई जस्ट शो यू, ये अभी खूब सारे सूखे पत्ते वगैरह सब यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं। मैं इनको हटा देता हूँ। कुछ एक वीड्स वगैरह भी होने लग गए हैं। ठीक है, इतना काफी। अच्छा, अभी जैसे आपको दिख रहा हो तो ये काफी जो है ये नीचे बैठ गई है मिट्टी। इसका मतलब कि जो हमने कंपोस्ट मटेरियल डाला था इसके अंदर, जो भी कंपोस्टिंग मटेरियल डाला था, वो कंपोस्ट हो चुका है। नॉर्मली क्या करना होता है, मैंने सिर्फ लेवल तक ही भरा था इसको, ग्राउंड के लेवल तक। जब भी आप करें तो एटलीस्ट ग्राउंड के लेवल से 4 या 6 इंच ऊपर तक अपना कंपोस्टिंग, जो भी मटेरियल आप उसके अंदर यूज़ कर रहे हैं, कि जिसकी कंपोस्ट बनाना चाहते हैं, वो 4 से 6 इंच ऊपर तक रखिए, ताकि जब वो धीरे धीरे कंपोस्ट होना शुरू हो जाए और वो नीचे बैठना शुरू हो, तो आपका इस तरह गड्ढा ना बने। बेसिकली मैंने जो किया था वो सिर्फ आप लोगों को शो करने के लिए किया था कि कैसे करते हैं, क्योंकि मैं कंपोस्टिंग जो मैं कर रहा था वो दूसरी जगह पे कर रहा था, तो ये सिर्फ बताने के लिए किया था। तो इसलिए मैंने ज़्यादा उसमें किया नहीं, बट जितना भी थोड़ा सा मुझे कंपोस्टिंग मटेरियल मिला मैंने उसका ही बना के आप लोगों को वीडियो शेयर कर दिया था। तो लेट्स सी, देखते हैं कि कैसी रही हमारी कंपोस्टिंग, कैसा मटेरियल हमको कंपोस्ट मटेरियल मिलता है इसमें। तो पहले तो मैं ये जो थोड़े बहुत वीड्स हो रहे हैं मैं इनको हटा देता हूँ अपने हाथ से। चलिए, अब हम देखते हैं इसको खोद के, इसको निकाल के, कि कैसा रहा हमारा कंपोस्टिंग का। अगर आपको ये दिख रहा हो, ये हमारी ये कंपोस्ट बननी स्टार्ट हो गई है। चलिए मैं इसको पूरा खोदता हूँ, खोदने के बाद फिर आपको दिखाता हूँ। इसमें ये मिट्टी वगैरह सब निकाल लेता हूँ मैं। Somehow you are able to see, अभी ये जो है ये कंपोस्टिंग मटेरियल दिखने लग गया, ब्लैक पैक जो हमको दिख रहा है। मैं पहले ये सारी मिट्टी का ही
इसको मैं खोदता हूँ, फिर आपको लोगों को दिखाता हूँ पूरा एक बार ढंग से खोदने के बाद। अब जैसा आप देख रहे हैं, थोड़ा बहुत खोदने पे अब मुझे अब जो कंपोस्ट मटेरियल है वो देखना शुरू हो गया है। मैं थोड़ा पास से दिखाता हूँ आपको। ये जो ब्लैक ब्लैक आप देख रहे हैं, ये हमारा जो मटेरियल जो कि कंपोस्ट हो चुका है, और थोड़ा सा अभी काफ़ी वेट है, काफ़ी सारा काफ़ी गीला है, बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहा क्योंकि जो मेरा कंपोस्ट मटेरियल था वो बहुत कम था। मैं अपनी कंपोस्टिंग किसी दूसरी जगह पे कर रहा हूँ, ये बस मैंने आप लोगों को शो करने के लिए किया था, तो बहुत ज़्यादा कंपोस्टिंग मटेरियल मैंने इसमें डाला नहीं था। तो अभी खैर अभी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं खोदा, अभी थोड़ा बहुत मिलना ही शुरू हुआ है। मैं अभी इसको थोड़ा सा और डिग करता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ, अगर मे बी शायद और मेरे को मिल जाए फाइन। तो अभी काफ़ी कुछ इस तरह का कंपोस्टिंग मटेरियल मिला है। थोड़ा ब्राउन पॉट जो था उसका बहुत ज़्यादा फुली डिकम्पोज नहीं हुआ है, पर फिर भी काफ़ी अच्छा है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए इस वीडियो को, और लाइक करिए, और जो भी आपके कमेंट्स हो प्लीज़ लिखिए मुझे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी गार्डनिंग।